टोहाना के गांव सैमन में विकसित भारत जनसंवाद यात्रा को विरोध का सामना करना पड़ा है। सैमन में भारत संकल्प यात्रा के दौरान पहुंचे पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली को ग्रामीणों ने काले झंडे दिखाते हुए प्रदर्शन किया तथा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पंचायत एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर सिंह के नेतृत्व में ग्रामीण कार्यक्रम स्थल के बाहर पहुंचे और उन्होंने मंत्री का काफिला देख काले झंडे दिखाते हुए नारेबाजी की, जबकि सूचना से पहले ही भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास किया, लेकिन वह काले झंडे दिखाते हुए नारेबाजी करते रहे। उधर पुलिस ने कार्यक्रम में आने वाले हर व्यक्ति की पड़ताल के उपरांत ही उन्हें अंदर जाने दिया। सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर सिंह गिल ने कहा कि जब सरकार द्वारा ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल लागू किया गया है, तब से सरपंच एसोसिएशन लगातार मंत्री देवेंद्र बबली उनके गांव में नए आए इस बात को दोहरा रहे हैं। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि कुछ लोग अपने आप को हर समय हाईलाइट करना चाहते हैं, लेकिन विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान इस तरह की राजनीति करनी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, यदि कोई और मुद्दा है तो संविधान ने सभी को आवाज उठाने का हक दिया है, लेकिन इस प्रकार दबंगता दिखाना ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि सभी गांवों को विकास के मामलों में आगे बढ़ाने के सहयोग करें। उन्होंने कहा कि विकास को रोकना सही बात नहीं है। ये पंचायत मंत्री का विरोध प्रदर्शन है और पूरे हरियाणा के अंदर पंचायती राज संस्थाओं का आंदोलन चला हुआ है और इस मंत्री का पूरे हरियाणा के पंचायती राज के लोगों ने बहिष्कार किया हुआ है, क्योंकि इस पंचायत मंत्री ने अपने अहंकार में पूरे हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र का सत्यानाश करने में इसका अहम योगदान है। तो आज क्या किया गया, किस तरह? आज मंत्री हमने नारे लगाए और काले झंडे दिखाकर मंत्री का प्रोटेस्ट किया है मंत्री के खिलाफ, और ये बिल्कुल ही चोर मंत्री कहूंगा मैं, जिसने पूरे हल्के का पैसा बर्बाद किया है। और दोनों भाइयों ने इसके मनरेगा के रास्ते हर गांव में जहां कुछ शरीफ सरपंच है उनके साथ जाति की गई है, उनके पैसा हड़पा गया पंचायती राज उनके गांव का, और हर प्रकार से हल्के के लोगों का शोषण किया जा रहा है। पूर्ण मात्रा की महिला सरपंच है, वो मीडिया के सामने आने से डरती है बेचारी। उसके गांव के अंदर एक मनरेगा का रास्ता मंजूर हुआ था, उसकी परमिशन के बगैर जैसी एस्टिमेट बगैर बनवाए वो रास्ता बनवा दिया, और उसको बार बार मंत्री का पी है उसके द्वारा फोन किया जाता है कि सरपंच साहब इस पे साइन करो, उसने साइन करने से मना कर दिया। उसको 2 लाख तक की ऑफर दी गई है, लेकिन वो बेचारी महिला है, मीडिया के सामने आने से घबराती है। वो इतना डरती है कि मैं अकेली हूँ, कहीं मेरे नुकसान ना करवा दे लोग। ऐसे पीछे बोडी में मामला आया था, बोडी गांव का हमारा SC भाई था, एक वोट से जीता था, उसको ड्रा कर FFC की ग्रांट आई थी 7,20,000 रुपये, उसका ड्रा कर उससे प्रस्ताव लिया गया, उसका टेंडर अपने किसी चहेतों को दिया गया, पीछे मीडिया में भी आया था ना, वो रास्ता पूरा हुआ। उसके बाद वहाँ एक मनरेगा का रास्ता मंजूर होता है, उसका भाई खुला कहता सरपंच को कि सरपंच साहब मेरा क्या होगा इसमें, ये तो शरीफ कुछ बेचारे शरीफ सरपंच है, उनको टारगेट किया जा रहा है पूरे हल्के के अंदर। अगर जांच करवाए सरकार, इसके दोनों भाइयों की जांच करवा ले, ये मंत्री के दोनों भाई उसी दिन फंसेगी पहला उसमें। वो डर रहा है भाई कहीं तेरे को काले झंडे ना दिखाते, और मैं तो कहता हूँ भाई, मैं तो कल भी कहा था, अब तो मंत्री ये फोर्स लेके आ जाता है, आचार संहिता लगने के बाद कोई फोर्स नहीं आवेगी, और फिर कर लिए गाँव में कितने प्रोग्राम करना है, अरे तेरी हैसियत का पता लग जाएगा, लोग कितना चाहते हैं तेरे को, कहीं पब्लिक नहीं इकट्ठा होती, स्कूल में प्रोग्राम जानबूझ के किया जाता है, वहाँ बच्चों को बिठा के दिखाया जाता है, इतनी पब्लिक थी, यहाँ बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब की जा रही है और सरकार का प्रचार किया जा रहा है। ये सरकार अपने प्रचार में इतनी मस्त है कि बच्चों की पढ़ाई से भी कोई मतलब नहीं है सरकार को। देखिएगा, कुछ लोग गांव की तरक्की नहीं चाहते, राजनीति करें, इस देश के संविधान ने उनको हक दिया, लेकिन नेगेटिव राजनीति कभी भी आगे नहीं बढ़ी। उसकी सोच के साथ आए, देश के संविधान ने आपको पूरा पूरा हक दिया है, लेकिन गांव की अगर ये डेवलपमेंट आप रोक रहे हैं, ग्रोथ रोक रहे हैं, ये गांव आपको कभी माफ नहीं करेगा। आज 50 साल पुरानी पानी की मांग, 17 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के तहत हमने सीमेंट को लाकर देने का काम किया है, कार्य प्रगति पर टेंडर हो चुका है, सीधा भाखड़ा से सीमेंट गांव जुड़ेगा, जो एक पुरानी मांग मैं कह सकता हूँ 30-40 साल पुरानी मांग। जोड़ों का बिल्कुल गांव के अंदर बदबू थी, आज तीनों चारों साइड के आप देखोगे हमारे पोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से ग्रेवाटर इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत तीनों चारों जोड़ों का काम सीमेंट में चला हुआ। अन्य कम्युनिटी सेंटर पुराना बना होता, उसका रेनोवेशन का बजट हमने पास करके देने का काम किया। मनरेगा के तहत बहुत से कार्य होने हैं जिनके प्रस्ताव नहीं दिए जा रहे। यहाँ पर PRI का फंड पड़ा हुआ है, जो इस टाइप की पंचायतें हैं जिन्होंने खर्च नहीं किया, सरकार उनका संज्ञान भी लेगी। 2.5 करोड़ रुपये आज
समैन गांव के खाते में है, जिससे समैन गांव का विकास हो सकता है और महाग्राम पंचायत में हमारा समैन गांव आता है। इसके लिए जो सरकार की तरफ से स्कीम्स है उसका बहुत बड़ा लाभ आज गांव की पंचायत ग्रामवासियों को लेकर दे सकती थी। कहीं ना कहीं उसमें रोड़ा टकराने का रुकावट डालने की जो मंशा है, मैं अपील करना चाहूँगा उनसे कि पॉजिटिव राजनीति करें और गाँव की डेवलपमेंट करें। गाँव का विकास आप करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो जनता से जवाब मांगे। विरोध को किस तरह देखते हैं आप? ये विरोध नहीं है, ये कोई प्लांटेड से लोग हैं, पहले भी आपने देखा होगा। आज अगर गांव कहीं पीछे है, ऐसी मानसिकता के लोगों की वजह से आज समैन गांव, पहले भी मैं कह सकता हूँ, हो सकता है पहले वाले ने भी कोशिश की हो या ना की हो, उस पर तो मैं कोई नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश में हूँ। मैं पहले दिन भी मैंने बड़े बड़े जो हमारे गाँव के मुखिया हैं, मैं खुद उनके पास भी आया, बार बार मैंने बुला के भी कहा कि आप इस एक न्यू टोहाना समैन बन सकता था। और जो महाग्राम पंचायत के जो लिए सरकार की स्कीम है, उनका लाभ आज सरकार में पंचायत को लेकर ग्रामवासियों को देना चाहिए, क्योंकि सौभाग्य से विधायक के साथ साथ आज मैं विकास और पंचायत मंत्री भी। आज अगर कहीं हमारा कोई गांव डेवलपमेंट में पीछे रहता है तो उस गांव की जनता जो पीछे रखने वाले हैं उनसे जवाब जरूर मांगेगी। मैंने बता तो दिया, देखिएगा नाना उसको होता है जो मानना चाहता हूँ। कुछ लोगों को आदत पड़ी हुई है, वो आदत से मजबूर लोग हैं, हम उनको सम्मान भी दे रहे हैं पहले दिन से, उनका रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, कुछ काम उन्होंने अपने जरिए करवाए, हमने बार बार फोन पे भी उनके मैसेज दिलवाने का काम किया, उनको सरकारी तंत्र के माध्यम से भी बुलवा कर समझवाने का काम किया, उनको थोड़ी सी जो कार्रवाई बनती है एक दो नोटिस दिलवाने का भी हमने काम किया। भाई आप काम कीजिए, गाँव की ग्रोथ नहीं रोक सकते, सरकार इस पर कड़ा कदम और कड़ी कार्रवाई भी कर सकती है, लेकिन मैं फिर बार बार अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपनी राजनीति करें, लेकिन गांव के विकास को अपने पैरों तले कुचल के ऐसी राजनीति आपको गवारा नहीं आएगी। ये गांव का हर निवासी आपसे इस बात का हिसाब मांगेगा, जवाब मांगेगा और वो आने वाले समय में आपको देना पड़ेगा। आगे भी अगर गांव सुधारने का प्रोग्राम होता है तो आप देखिएगा, मेरा गुवांडी गांव है और देवेंद्र सिंह बबली अपने काम से अपने कर्म की पूजा करता है, कभी पीछे नहीं हटता। मैं द्वेष भावना की राजनीति करता, मैं डेवलपमेंट की राजनीति करता हूँ, प्रगति की राजनीति करता हूँ, सबको साथ लेकर चलने की राजनीति करता हूँ, सबको सम्मान देने की राजनीति करता हूँ और सबको आगे बढ़ाने की राजनीति करता हूँ। राजनीति को सुख के लिए नहीं, सेवा के लिए मैं आया हूँ, राजनीति को सेवा का माध्यम बनाकर लोगों की सेवा कर रहा हूँ और पूरा हल्का का आशीर्वाद आज मेरे साथ है। इक्का दुक्का लोग हर जगह होते, रामराज में भी थे, आज तो होंगे ही, जब आज तो कलयुग चल रहा है, जब रामराज था तब भी ऐसे ऐसे लोग सृष्टि बनी तब से चलते आए हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं बढ़ते हुए कामों के अंदर गतिरोध लगाने का काम किया। लेकिन जो विकास है वो ज्यादा दिन रुकता नहीं, वो आगे बढ़ेगा, हल्का टोहाना बढ़ेगा, हरियाणा प्रदेश बढ़ेगा और समय भी बढ़ेगा।